एक्वाटिक बर्ड्स, अब वो बर्ड्स जो हमारी पानी में मिलती हैं या पानी में रहती हैं। देयर आर मैनी बर्ड्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर, अब ऐसी बहुत सारी बर्ड्स हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम पानी में ही स्पेंड करती हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एक्वाटिक बर्ड्स, इनको हम एक्वाटिक बर्ड्स बोलते हैं, यानी कि वो बर्ड्स जो पानी में अपना टाइम स्पेंड करती हैं। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स दैट कीप देयर फेदर्स वाटर प्रूफ, अब इनके अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ऑयल ग्लैंड क्या होता है, जो ऑयल को सिक्रीट करते हैं, यानी कि जो उनकी बॉडी के ऊपर ऑयल की एक कवरिंग बना देते हैं जिससे उनके जो पंख होते हैं वो वाटर प्रूफ बन जाते हैं। द ऑयल फ्रॉम दीज ग्लैंड्स प्रिवेंट्स देयर फेदर्स फ्रॉम गेटिंग वेट, अब जो ऑयल होता है इन ग्लैंड्स में जो ऑयल निकलता है वो उनके फेदर्स को प्रिवेंट करता है गीला होने से। डक्स स्वैन्स गल्स पेलिकन्स एंड क्रेन्स आर एक्वाटिक बर्ड्स, अब ये जो भी मैंने नाम बोले हैं ये सारे एक्वाटिक बर्ड्स के नाम हैं। दे हैव वेब्ड टोज फीट दैट हेल्प देम टू स्विम, अब इनके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, वेब्ड यानी कि बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, उनकी फिंगर्स के बीच में गैप नहीं होता या उनके टोज के बीच में गैप नहीं होता, तो इससे क्या होता है वो स्विम कर पाते हैं आसानी से। अब ये जो फ़ोटो बनी हुई है आप देख लो, ये इन एनिमल्स की फ़ोटो है, डक की, स्वैन की, पेलिकन की और क्रेन की। नेक्स्ट आते हैं हमारा नेस्ट, यानी कि जो घोंसले होते हैं। लाइक अस बर्ड्स नीड अ होम टू लिव इन, अब हमारी तरह जो बर्ड्स होती हैं उनको भी एक घर चाहिए होता है रहने के लिए। द होम ऑफ अ बर्ड इज़ कॉल्ड अ नेस्ट, अब एक बर्ड का जो घर होता है उसको हम नेस्ट बोलते हैं। बिफोर बिल्डिंग अ नेस्ट द बर्ड पेयर डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड द नेस्ट, अब अपने नेस्ट को बनाने से पहले जो बर्ड का पेयर होता है यानी कि जो दो बर्ड्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि उनको अपना अपना नेस्ट बनाना कहाँ पर है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कलेक्टिंग मटीरियल एंड कैरिंग इट टू द बिल्डिंग साइट, अब दूसरा काम क्या होता है कि वो अपने घोंसले को बनाने के लिए सामान इकट्ठा करती हैं और उसको जहाँ पर बनाना है वहाँ तक लेकर जाती हैं। द फाइनल स्टेप इज़ कंस्ट्रक्शन, और लास्ट स्टेप क्या होता है कि उस जो सामान वो जो सामान लाए हैं उससे उसका घोंसला बनाना। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू, अब क्या होता है बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाती हैं, ले एंड हैच एग्स, यानी कि उसमें अपने अंडे दें और उनको फिर बड़ा करें। प्रोटेक्ट देयर एग्स फ्रॉम नेस्टलिंग्स फ्रॉम एनिमीज, अपने अंडों को बचाना और उनके जो एनिमीज यानी कि जो दुश्मन बर्ड्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर, और खुद को एक हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उससे भी वो बचाव में हेल्प करता है नेस्ट उनका। नेक्स्ट आता है नेस्ट ऑफ द बर्ड्स स्पैरो, इट मेक्स इट्स नेस्ट इन हाउसेस ट्रीज और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस, अब जो स्पैरो होती है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, किसी के घर में, ट्री पे या फिर किसी ऐसी सेफ जगह पर। द मटीरियल्स इट यूजेस टू मेक इट्स नेस्ट आर मेनली ग्रास लीव्स स्ट्रॉज एंड कॉटन, अब जो मटीरियल स्पैरो यूज़ करती है अपने नेस्ट को बनाने के लिए वो कौन कौन से हैं, ग्रास यानी कि जैसे कि घास होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, स्ट्रॉज और कॉटन, इससे वो अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। टेलर बर्ड इट स्यूज इट्स नेस्ट विद इट्स बीक, अब जो टेलर बर्ड होती है वो अपने घोंसले को स्यू करके यानी कि बुन कर बनाती है। द मटीरियल सील कर बनाती है, स्यू का मतलब होता है सीलना किसी भी चीज़ को, तो वो अपने सिलना तो वो उसको सिल कर बनाती हैं। द मटीरियल्स इट यूजेस टू मेक इट्स नेस्ट आर थ्रेड वूल एंड वेजिटेबल फाइबर, अब जो टेलर बर्ड होती है वो कैसे अपने घोंसले को सिलकर बनाती है, थ्रेड की मदद से, वूल की मदद से और वेजिटेबल फाइबर्स की मदद से। नेक्स्ट आता है हमारा वल्चर, इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन हाई ट्रीज, वो अपने घोंसले को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बनाता है। द नेस्ट लुक्स लाइक अ शैलो कप, उसका जो घोंसला होता है वो एक शैलो कप यानी कि एक खाली कटोरे की तरह लगता है।
द मटीरियल्स इट यूजेस टू मेक इट्स नेस्ट इंक्लूड स्टिक्स एंड ट्विग्स। अब जो वल्चर होता है वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए क्या क्या मटीरियल यूज़ करता है, स्टिक्स यानी कि जो डंडे के टुकड़े होते हैं उनसे वो अपने घोंसले को बनाता है। वुड पैकर इट मेक्स द नेस्ट इन द ट्री ट्रंक्स। अब जो वुड पैकर होता है वो अपने घोंसले को ट्री की ट्रंक में बनाता है। इट यूजेस इट्स चिजल लाइक बीक टू मेक अ बिग होल इन द ट्री ट्रंक। अब वो क्या करता है, जो ट्री का ट्रंक होता है यानी कि जो ट्री का मुंह होता है उसके अंदर वो छेद करके वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। दिस होल इज यूज एज अ नेस्ट, और फिर वो जो होल होता है उसको वो अपने घोंसले की तरह यूज करता है। वीवर बर्ड इट यूजेस ग्रास एंड ट्विग्स टू मेक इट्स नेस्ट। अब जो वीवर बर्ड होती है वो क्या करती है, घास को यूज़ करती है और ट्विग्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को यूज़ करती है अपने नेस्ट को बनाने के लिए। द नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग। तो जो नेस्ट होती है वो हमारी बड़ी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द एंट्रेंस इज एट लोअर एंड ऑफ द नेस्ट, और इसकी जो एंट्रेंस होती है यानी कि जहाँ से वो चिड़िया घुस पाती है उसकी जो एंट्रेंस होती है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, यानी कि वो घास से और छोटी छोटी टहनियों से अपने घोंसला बनाती है।